Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. सीतापुर के नैमिषारण्य में अगले दो दिनों में दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेताओं और संतों का जमावड़ा लगने वाला है। जी हाँ, दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन की सूचनाएं मिल रही हैं। इसको लेकर जिले का प्रशासनिक और पुलिस अमला सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ये पहुंचे हैं नैमिषारण्य। सीधे हम आपको लेकर चलते हैं नैमिषारण्य, जहां पर आई इंडिया के संवाददाता सुनीत पांडे इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनीत, ये जानना चाहेंगे कि नैमिषारण्य में क्या कार्यक्रम है, कहां कार्यक्रम है और क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम भी आ चुका है? जी सर, आपको बता दें कि नैमिषारण्य में गयावर मार्ग पर स्थित है श्री श्री जगदम्बा राजेश्वरी स्कंद आश्रम, जहां पर इस समय पर जगदम्बा राजेश्वरी की शक्ति व प्रमुख द्वार का उद्घाटन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसको वो 14 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होने, इनके श्रद्धालुओं के साथ बड़े बड़े दिव्य संत भी संत समागम में सम्मिलित होंगे। आपको बता दें सर, 21 फरवरी को इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मिलित होने के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए आज जिलाधिकारी अनुज सिंह और SP चक्रेश मिश्रा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर आवश्यक निर्देश दिए। वहीं SP के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण को निर्देश दिए। लगभग आधे घंटे तक कर वहां पर आश्रम से जानकारी ली कि क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके बाद DM ने आवश्यक निर्देश देते हुए आधे घंटे तक DM और SP का अमला वहां पर आश्रम में रुका रहा। सुनीत, ये जानना चाह रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम है, इसमें 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभावित दौरा है, जिसको लेकर DM और SP पहुंचे हुए हैं, ये आप बता रहे हैं। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि 22 फरवरी को कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, क्या चर्चाएं हैं और क्या कहा जा रहा है, किसके आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं? पर आपको बता दें कि 21 तारीख को मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्यक्रम अभी तक आश्रम की तरफ से बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री लगभग 2 बजे का कार्यक्रम पहुंचने का संभावित कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिसमें 2 बजे से 1:02, 3:10 तक कार्यक्रम लगभग 1:10 का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो वहां पर जो गोपुरम द्वार बना है, जिसको वहां पर बताया जा रहा है, उस गोपुर द्वार का मुख्यमंत्री जयकर द्वारा शिलान्यास किया जाएगा और वहीं पर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में लगभग आधे घंटे सम्मिलित होकर पूजन करेंगे और उसके बाद वहीं पर बने पंडाल महोत्सव में संत समागम में सम्मिलित होकर संतों को संबोधित करेंगे। और दूसरी बात बता दें सर, 22 फरवरी को मोहन यादव के कार्यक्रम आने का वहां पर कार्यक्रम संभावित कार्यक्रम है और वहां के विधानसभा अध्यक्ष उनका भी संभावित कार्यक्रम बना हुआ है 22 फरवरी को। तो देखिए, 22 फरवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके साथ ही जो विधानसभा अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर, उनके भी आने की बात कही जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री क्या शिवराज सिंह चौहान के भी आने की बातें पूर्व में की गई हैं? सर, पहले तो बताया जा रहा था, अगर अभी तक आसाम से जो बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह का कार्यक्रम आने का कैंसिल हो चुका है, अब उनका आने का कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं बनना है। अब केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के आने का कार्यक्रम बना है और 22 तारीख को शंकराचार्य वासुदेवानंद जी महाराज जी के कार्यक्रमों के द्वारा मूर्ति के पास प्रतिष्ठा समारोह मनाया जाएगा। सुनीत, ये जानना चाह रहे हैं कि जरा इस मंदिर के बारे में भी बताइए, ये मंदिर कहाँ का है और कौन बनवा रहा और क्या कुछ वहाँ अब तक मंदिर बन चुका है? सर, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बहुत ही दिव्य संत हैं जिनको हीरापुर महाराज के नाम से जाने जाते हैं, श्री श्री 1008 हीरापुर वाले संत जी के नाम से जाने जाते हैं। ये गया रोड के पर स्थित है, जहाँ पर बहुत ही दिव्य
लव मंदिर बनाया गया है, जहां पर से एक सुंदर माता राजेश्वरी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जिसको लेकर 14 से 22 फरवरी तक यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़े बड़े दिव्य संतों को यहां पर आमंत्रित किया गया है, जिसमें कामदगिरी पीठाधीश्वर रामानंदी जी महाराज जी की नित्य प्रतिदिन भागवत कथा और रासलीला के कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। अन्य धार्मिक आयोजन भी प्रतिदिन यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। महाराज जी के द्वारा इससे भी पहले मध्य प्रदेश में तमाम आश्रम बनाए गए हैं और तमाम उनके द्वारा बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। बिल्कुल, तो अगले 21 फरवरी और 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नैमिषारण्य आगमन हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में ये दोनों मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे। इसको लेकर सीतापुर का प्रशासनिक और पुलिस अमला इस समय सक्रिय हो चुका है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक नैमिषारण्य पहुंच चुके हैं और उन्होंने उस स्थल का जायजा भी लिया है। अभी संभावित कार्यक्रम बना है, फिलहाल अभी पूरी तरीके से कहते हैं ना कार्यक्रम नहीं पहुंचा है, लेकिन ये माना जा रहा है इन दोनों मुख्यमंत्रियों का आगमन नैमिषारण्य की धरती पर होगा और इसी तैयारियों को लेकर प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी जुट चुके हैं। तो अगले दो दिनों में आपको उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में मध्य प्रदेश और यूपी के मुख्यमंत्री के आगमन का कार्यक्रम बन चुका है और निश्चित तौर पर उस नैमिषारण्य की धरती पर ये दो मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया था, कार्यकर्ता सम्मेलन का, प्रशिक्षण शिविर का, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी नैमिषारण्य पहुंचकर चक्रतीर्थ में डुबकी लगाई थी। तो चक्रतीर्थ, नैमिषारण्य और ललिता देवी मंदिर ये ऐसे स्थल हैं जो दर्शनीय स्थल हैं और यहाँ पर दो राज्यों के मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर निश्चित तौर पर राजनीति भी गरमाएगी। तो फिलहाल सुनीता, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।